नमस्कार, स्वराज्य भारत देख रहे हैं आप और मैं सौरभ मिश्रा। बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, भारत और इजराइल द्वारा 16,479 LMG मशीन गन्स की खरीद के लिए कितने रुपए में रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए गए हैं? आपके विकल्प हैं 880 करोड़, 720 करोड़, 450 करोड़ रुपये या फिर 300 करोड़ रुपये। आइए आपको बताते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है वो है 880 करोड़ रुपए। जी हाँ, इस डील को 880 करोड़ रुपए में तय किया गया है। आपको बता दें 19 मार्च 2020 को एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। इस समझौते के अनुसार भारत इजराइल से 880 करोड़ रुपए में 16,479 LMG मशीन गन्स खरीदेगा। इन LMG का नाम नेगेव है। यह हथियार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सीमावर्ती सैनिकों को अधिक बल प्रदान करेगा। आपको एक बार फिर से बता दें, इस LMG का नाम नेगेव है। नेगेव। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो है, नए उद्यमियों के लिए सिडबी द्वारा किस नाम से एक विशेष रेलगाड़ी आरंभ की गई है? और हमारे जो विकल्प हैं वो हैं विश्वास एक्सप्रेस, गरिमा एक्सप्रेस, स्वावलंबन एक्सप्रेस या ऊर्जा एक्सप्रेस। तो आइए आपको इसका सही जवाब बताते हैं। इसका सही जवाब है वो है स्वावलंबन एक्सप्रेस। जी हाँ, स्वावलंबन एक्सप्रेस। ये भारतीय लघु उद्योग यानी कि सिडबी द्वारा नए उद्यमियों के लिए इस साल 5 जून को ये ट्रेन चलाई जाएगी। जी हाँ, 5 जून को ये ट्रेन चलाई जाएगी। यह ट्रेन लखनऊ से चलेगी और 11 उद्यमशील शहरों की यात्रा करेगी। इनमें जम्मू, दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, भुवनेश्वर, कोलकाता और अंतिम गंतव्य के रूप में वाराणसी शामिल है। यह गाड़ी 15 दिनों में 7,000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। चलिए अब बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। तो हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो है, निम्न में से किस देश में 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक को आयोजित करने की योजना है? विकल्प हैं भारत, रूस, जापान और चाइना। तो इसका जो सही जवाब है वो है जापान। आपको बता दें 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक एक अंतर्राष्ट्रीय योजनाबद्ध बहुखेल प्रतियोगिता है। आयोजना 24 जुलाई से 9 अगस्त। जी हाँ, 24 जुलाई से 9 अगस्त तक चलेगी और ये जापान में होना है, टोक्यो में होगा। ओलंपिक खेलों की संस्था अंतर्राष्ट्रीय या ओलंपिक समिति ने 7 सितंबर 2013 को ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में अपने 125वें अधिवेशन में टोक्यो को मेजबान शहर घोषित किया था। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है वो है, RBI ने ओपन मार्केट ऑपरेशन के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदकर बैंकिंग प्रणाली की तरलता को बढ़ाने के लिए कितने करोड़ रुपए देने का निर्णय लिया है? हमारे विकल्प हैं वो हैं 15,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ या फिर 25,000 करोड़। तो इसका जो सही जवाब है वो है 10,000 करोड़ रुपए। और इस प्रक्रिया के तहत COVID-19 यानी कि कोरोना वायरस 19 महामारी से जोखिमों के बढ़ने के कारण वित्तीय बाजार खंडों में वित्तीय स्थितियों को मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा। इससे सभी बाजार खंडों में तरलता एवं स्थिरता की स्थिति बनी रहे और वे सामान्य रूप से कार्य करते रहें। इसीलिए RBI ने ओपन मार्केट ऑपरेशन के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद कर इनकी तरलता को जो है बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों के बीच एकजुटता को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ किस देश ने मार्च 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष पद ग्रहण किया है? इसके लिए हमारे विकल्प हैं नेपाल, जापान, पाकिस्तान और चीन। आपको बताते हैं इसका जो सही जवाब है वो है चीन। आपको थोड़ा सा विस्तार से बताते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता प्रत्येक महीने अपने सदस्यों के बीच अंग्रेजी वर्डमाला क्रम के अनुसार बदलती रहती है। वियतनाम ने जनवरी 2020 में,
तथा बेल्जियम ने फरवरी 2020 में इसकी अध्यक्षता की थी। चीन के बाद इसकी अध्यक्षता अप्रैल 2020 में डोमिनिकन गणराज्य को मिलेगी। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश निम्न में से कौन सा है? हमारे विकल्प हैं नेपाल, चीन, भारत और पाकिस्तान। आपको बताते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है भारत। जी हाँ, भारत बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने हाल ही में संसद में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रैंकिंग का हवाला दिया। इस रैंकिंग के अनुसार भारत विश्व में बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसके साथ ही प्रति व्यक्ति खपत के मामले में भारत 106वें नंबर पे है। भारत अब बिजली की कमी से बिजली अधिदेश देश बन चुका है। वर्तमान में भारत के बिजली उत्पादन में कोयले की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है। जी हाँ, कोयले की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है वो है, HIL इंडिया ने हाल ही में किस बैंक के साथ ग्राहक भुगतान पोर्टल लॉन्च किया है? और इसके लिए हमारे जो विकल्प हैं वो हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और देना बैंक। तो इसका जो सही जवाब होगा वो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ HIL ने एक ग्राहक भुगतान पोर्टल लॉन्च किया है। आपको बता दें कि इस पोर्टल के माध्यम से विभिन्न ऑनलाइन तरीकों से भुगतान प्राप्त करना है, जिससे बकाया धनराशि व त्वरित एवं सुगम संग्रह हो सके। इस पोर्टल से HIL के ग्राहकों को किसी भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI अथवा ऑनलाइन वॉलेट से अपनी बकाया रकम का भुगतान त्वरित एवं सुविधाजनक तरीके से करने में मदद मिलेगी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से किस दिन विश्व प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है? और इसके लिए जो हमारे विकल्प हैं वो हैं 18 मार्च, 19 मार्च, 20 मार्च या 21 मार्च। तो इसका जो सही जवाब है वो है 20 मार्च। या 20 मार्च को विश्व प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। इसे हम अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस भी कहते हैं। ये हर वर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस का विषय है हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर। वर्ष 2013 के बाद से संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया भर के लोगों के जीवन में खुशी के महत्व को पहचानने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, भारत के किस पड़ोसी देश में 20 मार्च 2020 को 5.9 तीव्रता का भूकंप आया? इसके लिए हमारे विकल्प हैं बांग्लादेश, तिब्बत, पाकिस्तान या भूटान। तो इसका जो सही जवाब है वो है तिब्बत। जी हाँ, तिब्बत में 20 मार्च को भूकंप आया जिसकी तीव्रता 5.9 मापी गई थी। भूकंप का केंद्र तिब्बत के क्विलिंग में था। जी हाँ, इसका जो केंद्र था वो तिब्बत के क्विलिंग में था। अब बढ़ते हैं हमारे आज के आखिरी प्रश्न की ओर, देखते हैं हमारा आखिरी प्रश्न क्या है। आज का जो आखिरी प्रश्न है वो है, सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग करते हुए मणिपुर के एक मंत्री को राज्य मंत्रिमंडल से हटा दिया है? हमारे जो विकल्प हैं वो है अनुच्छेद 122, अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 140 या अनुच्छेद 142। तो आपको बताते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 142। अब तो आपको थोड़ा इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुच्छेद 142 का उपयोग करके मणिपुर के एक मंत्री को राज्य मंत्रिमंडल से हटा दिया। वर्ष 2017 में यह मंत्री चुनाव जीतने के बाद दूसरे दल में शामिल हो गए थे। 8 सितंबर 2017 को इस मामले की सुनवाई के दौरान मणिपुर उच्च न्यायालय के अनुसार उच्च न्यायालय किसी मंत्री के अयोग्य ठहराए जाने पर या सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित याचिका की स्थिति में निर्णय लेने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश नहीं दे सकता।
वह मंत्री दल बदल कर पुनः मंत्री बन गया, जिसका दूसरे मंत्रियों द्वारा कोर्ट में विरोध किया गया था और जिसकी वजह से सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 142 का उपयोग करते हुए उसे राज्य मंत्रिमंडल से हटा दिया।